मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता के निधन की खबर सुनकर फिल्मी हस्तियां उनके घर पहुंच रही हैं। यहां तक कि उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान का पूरा परिवार भी दुख की घड़ी में वहां पहुंचा। लेकिन सलमान खान अब जाकर मलाइका के माता पिता के घर पहुंचे और सलमान के अलावा और भी हस्तियां वहां पहुंची हैं। तो चलिए बताती हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। सलमान खान को गुरुवार रात यानी कि 12 सितंबर को मलाइका अरोड़ा के माता पिता के घर पर देखा गया। उनके पिता अनिल मेहता के निधन पर शोक जताने के लिए उनके माता पिता के घर जाते हुए उन्हें देखा गया। मलाइका और उनका परिवार अनिल मेहता को खोने पर शोक मना रहे हैं। कई करीबी दोस्त और बॉलीवुड हस्तियाँ अपनी सहानुभूति जताने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि सलमान खान पूरे 7 साल बाद मलाइका के घर पहुंचे हैं। खान परिवार को अक्सर कई मौकों पर मलाइका अरोड़ा के साथ घूमते हुए देखा जाता है। सलमान खान ने कभी भी फंक्शंस में उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई है। सलमान और मलाइका ने दबंग के गाने मुन्नी बदनाम पर भी एक साथ काम किया था और अब इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में सलमान खान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलते समय वो काफी गंभीर दिख रहे हैं। सलमान शांति से भीड़ के बीच से निकल गए। 2017 में अपने छोटे भाई अरबाज खान से तलाक के बाद ये पहली बार है कि सलमान ने मलाइका के साथ दोबारा मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को भी घर में जाते हुए देखा गया। उसके बाद भावना पांडे और दिया मिर्जा को भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हुए देखा गया, जहां उनकी तस्वीरें खींच ली गई। शिल्पा और शमिता सेठी से लेकर फराह खान, उनके भाई साजिद खान और कोरियोग्राफर गीता कपूर और टेरेंस लुइस सहित अन्य हस्तियां भी शोक जताने के लिए इकट्ठा हुई। 11 सितंबर को मलाइका ने एक भावनात्मक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हमने अपने प्यारे पिता अनिल मेहता के निधन की घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है। वो एक सुंदर आत्मा, एक समर्पित दादा, एक प्यारे पति और हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। इस नुकसान से हमारा परिवार गहरे सदमे में है और हम इस कठिन समय के दौरान मीडिया और शुभचिंतकों से गोपनीयता का अनुरोध करते हैं। हम आपकी समझ, समर्थन और सम्मान की सराहना करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इस पर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसी और भी नई अपडेट्स के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।